नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद की खास पेशकश निर्दलीय संवाद। आज इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो हमारी चुनाव प्रक्रिया के साथ में जुड़ा हुआ है, राजनीतिक पार्टियां और उनके विचारों के प्रचार में आने वाली चुनौतियां। जी हाँ, ये विषय हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे देश के नेताओं और चुनावी प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम समझें कि राजनीतिक पार्टियां क्या होती है। दरअसल ये वो संगठन होते हैं जो हमारे देश में नीतियों और विचारों को प्रचारित करते हैं। इन पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता ये कोशिश करते हैं कि वे अपने विचारों को वोटरों के सामने रखें ताकि वोटर सही निर्णय ले सके। लेकिन कई बार ये होता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के खुले विचार का समर्थन करती हैं जिससे उनको नुकसान हो सकता है। इसका मतलब है कि जब एक पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उसके विचारों के साथ खिलाफ हो जाते हैं तो वोटर्स को सही जानकारी नहीं मिलती और ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि वोटर्स को सही विचारों और नीतियों के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। मगर जब वोटर्स को जानकारी नहीं होती है तो ऐसे में वोटर्स कहीं ना कहीं गुमराह होते रहते हैं। मगर हमारे समाज में एक पक्ष ऐसा भी है जो कभी अपने समर्थकों को गुमराह नहीं होने देता बल्कि उनके पक्ष में ही भलाई का कार्य करता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निर्दलीय पक्ष की। निर्दलीय उम्मीदवारों के पास राजनीतिक पार्टियों की तरह बड़े कार्यकर्ता का झुंड तो नहीं होता, लेकिन वो अपने विचारों को पार्टियों के मुकाबले प्रचारित करने में मुश्किलों से समर्थन करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि राजनीतिक पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवारों दोनों के पास अपनी समस्याएं होती हैं। पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं के खुले विचारों का विरोध करना पड़ता है जो वोटर्स के लिए समस्या हो सकता है। अब सवाल ये है कि हम वोटर्स कैसे सही निर्णय ले सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें अपने विचारों को जानकर रखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम अपने विचारों के साथ हैं या नहीं। दूसरी बात, हमें राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों की ओर से आने वाले विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए, हमें उनके विचारों को सुनना चाहिए। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम सही विचार को समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हमारे पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है चुनाव के समय सही निर्णय लेना। हमें विचार और नीतियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपने वोट का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।